The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tadcom Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds max dreams come true. Download the app now. Next है ड्राइंग रूम डिटेल्स। जिस तरह हम लोगों ने ओवरऑल जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करी थी उसी के बेसिस पे हमें इसको भी डिज़ाइन करना होगा। प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हम लोग फॉलो करते चले आए अब तक सारे इंटीरियर में, और सारे इंटीरियर में हमने बस एक बात नोटिस ये करी थी, स्टार्टिंग हमें प्लानिंग से करनी होती है और डिटेल्स हमें देनी होती है फिर उसके एलिवेशंस के अंदर। बेडरूम्स में हमने यही चीज़ करी थी, वॉशरूम में हमने यही चीज़ करी थी, किचन के अंदर भी हमने यही डिटेल्स को मेंशन करा था। ओवरऑल किसी भी डिटेल को बनाने का प्रोसेस यही होता है कि स्टार्टिंग उसकी करी जाती है कहाँ से, प्लान वाले पार्ट से। सबसे पहले स्टार्ट होता है उसका प्लान, क्या डिज़ाइन करना है उसको सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करो, क्या बनाना है उसको डिसाइड करो, हर एक चीज को। एंड नेम, दिस वन इज ड्राइंग रूम। मैंने प्लानिंग में हैचिंग को मेंशन करा था, आप हैचिंग को मेंशन करिए डिफरेंट कलर के साथ एंड साइज के साथ। मैंने वहाँ पर डायमेंशनिंग करी थी, आप डायमेंशनिंग दो क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं उनके बारे में डिटेल दो। इनर डायमेंशंस को अलग और आउटर डायमेंशंस को अलग लेके चलेंगे। इनर डायमेंशंस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी लेयर्स बनी हुई हैं, कलर इफेक्ट डिफरेंट लो, टेक्स्ट का कलर डिफरेंट चूज करो, साइज जो रखना चाहते हो वो साइज रखो, ओके, सेट करंट क्लोज। स्पेस प्लानिंग ओवरऑल साइज, क्या क्या आपने लिया है, हर एक चीज का स्पेस मेंशन करना पड़ेगा। चीज़ों को आपको कहाँ से निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग, आप कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को दोगे। बाउंड्री क्रिएट करो और उसके अंदर हम फिल करेंगे पैटर्न्स को, मतलब फ्लोरिंग, पिक पॉइंट एंड साइज। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत लाइट होना चाहिए ताकि हमारी और भी चीज़ें दिखे। कुछ ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को आप उनकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हो सी एच एंटर करके, ये मैं बात कर चुका हूँ। जैसे कि स्मॉल डायमेंशंस कहीं पे शो करानी है तो उनको वहां पर चेंज कर दो। और डिटेल देने का तरीका हम लोगों का क्या होता था,
हम लोग जैसे मेंशंस करते थे अदर डिटेल्स को, बिल्कुल वैसे ही डिटेल्स को हम यहाँ पर भी देंगे। एक सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी आप किसी चीज़ पे काम करें तो आपके पास कुछ टैगिंग पहले से पड़ी होना चाहिए। बेनिफिट ये रहता है कि बार बार चीज़ों को बनाना नहीं पड़ता है। बस नेमिंग कर दो। क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सिलेक्शन करा है, हर एक पार्ट। सिलेक्शन, किसके बेसिस पे है वो मेंशन कर दो। आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको बता के कि क्या क्या आइटम्स हैं। क्यों? क्योंकि जब 3D पे काम करने वाला बंदा इस पे काम करेगा तो उसको आइडिया रहेगा क्या सिलेक्शन करना है। इसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट है ये चीज। हर एक वो चीज ग्लास सारे कलर्स एक साथ मैच करो। और अगर आपके पास कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जैसे लाइट्स वगैरह अगर आपने दी है तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, लाइट्स वगैरह हो सकती हैं, शैंडलियर हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। तो इन सब के ब्लॉक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके जो इंटीरियर हैं, अगर आप कोई कैड ब्लॉक यूज कर रहे हो तो कैड ब्लॉक आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट स्टैंडर्ड के बेसिस पे होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं फर्नीचर्स आइटम, आप जो चाहो चूज कर सकते हो और मेंशंस कर सकते हो वहाँ पर, वो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे मॉडल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को डेकोरेट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है सिस्टमेटिक वे में मेंशन करो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्लानिंग में पढ़ा था कि हमारे पास टैगिंग करना, टैग का यूज करो, ग्रुप करके प्रॉपर वे में मेंशन करो। सीटी क्रीमिक टाइल हमने पढ़ा था, सेक्शन के सिंबल पे काम करना, वही चीज यहां पे भी रिपीट करेंगे। हमने
हमने एलिवेशंस के सिंबल्स पे काम करा था, क्योंकि हम इसके इंटीरियर्स में ड्राइंग रूम में हम सिंबल्स वगैरह ऐड करेंगे, तो सिंबल्स को ऐड करूँ, कलर वगैरह सारे डिफरेंट सिलेक्शंस के रखूँ, तो साइज वगैरह उनका कुछ इस वे में शो करा सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करो जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक ये भी पॉसिबल है कि हम लोगों ने फिनिश के बारे में पढ़ा था, WD पेंट, पेंट PT, WD वुड, आप मटेरियल टैग भी दे सकते हो, देना चाहो तो, ये भी एक डिटेल का हिस्सा है। मैच क्या बना रहे हो, एक नेम डाल दो, प्लान उसके बाद ही स्टार्ट करो इसका एलिवेशंस। क्या करते थे हम लोग, एक्सेल एंटर, वी एंटर करते थे, लेकिन इसमें चार एलिवेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पार्ट हमें डिजाइन करना है, डेकोर करना है, उतना ही पार्ट लेके चलेंगे, जिसकी हमें जरूरत है सिर्फ उस पार्ट को। ब्राउन, डिफरेंट कलर, पहले एक सिंगल कलर में लेके चलो, उसके बाद कलर को चेंज करो, चाहो तो फिनिश करते हुए चल सकते हो, साइज दिस वन। अब एलिवेशंस ए की बात करें तो एलिवेशन ए में ये वॉल हमारी बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है। अगर ये आपकी वॉल ब्लैंक है तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं वॉल मोल्डिंग के साथ में। इसके लिए थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, एरिया लेके अपना खुद का, ये सब डिज़ाइंस आपको अपने पास बना के रखने पड़ेंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उनके बेसिस पे फिर इन चीज़ों को देना स्टार्ट करना। देन टैगिंग को डालना, शॉर्ट फॉर्म कर देता हूं, पेंट का टैग हम लोगों ने पढ़ा था, PT यूज करते थे हम लोग एलिवेशंस के अंदर, PT पेंट का टैग, तो वो टैग निकाल लो और उसी टैग को मेंशन करो, दिस वन, क्योंकि चीजें बनानी नहीं है। क्या आपने फिनिश यूज करा है, GD एंटर, कलर इफेक्ट दो, कोई भी लाइट जो आपने चूज करा है उस कलर, एंड फिल,
और एक्स्ट्रा पार्ट्स को वहाँ से रिमूव कर देना। और जो ओपन एरियाज होंगे उसमें दिक्कत करेगा तो उसको क्लोज कर लेना पहले से ही। और सबसे आसान तरीका हमने क्या पढ़ाया था, बाउंड्री क्रिएट करके पहले चेक करूँ कि क्या स्टेटस है। कहीं ना कहीं हमारा माइनर सा पार्ट छूट रहा है। हैचिंग करो, डेकोरेट करने का मतलब क्या है कि उसको हैचिंग करो। एंगल एंड साइज बहुत माइनर सा दिखाना चाहता हूँ, एक डिफरेंट पैटर्न इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी का यूज करो, डिफरेंट कलर को लो। यहाँ तक कि अगर आपने सिलेक्शन दिया है अपनी लाइट्स का तो भी आप मेंशन करोगे कि आपने लाइट्स किसके बेसिस पे दी है। और अगर आप कैटलॉग के बेसिस से चूज करना चाहते हो तो आप कैटलॉग से वहां से डिजाइन दे सकते हो। क्या बना रहे हो आप उसको साइजेस मेंशन करो। हर एक पार्ट की डिटेल जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, कलर मैच ना कर रहा हो कलर को चेंज कर लेना, मॉडिफाई पे जाके वहां पर डायरेक्टली कलर को चूज कर लेना, कोई भी डिफरेंट। नाम, उसका नाम क्या है, एलिवेशन एंड एलिवेशन नेम, नेम इज ए। एंड मूव, हमें जरूरत पड़ेगी सेकेंड वाली साइड की। इसको मैं रेफरेंस में कॉपी करके रखूंगा तो, क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ा है रेफरेंस में काम करना आसान होता है। एक्सेल एंड एच, डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, आधा काम मेरा हो गया उसी से, दूसरा बचा काम मेरा वो भी हम निकाल लेंगे। पेंट का टैग इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। अब क्या है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि ब्लॉक का यूज कर सकते हो, चलेगा।
यहाँ पर आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर आपके पास मॉडल्स हैं पहले से तो वेल एंड गुड। बस रेफरेंस ले लो कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो डिज़ाइन जैसा सेलेक्ट करा गया है वो डिज़ाइन चूज़ करके वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे हैं आपके पास, अगर ब्लॉक्स में होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम उन्हें दे देंगे। फर्स्ट सेकंड एंड पॉइंट, एक स्पेसिफिक लोकेशंस लो। बहुत ही ध्यान से काम करने वाला होता है इसमें। हर एक चीज को आपको सोचना पड़ेगा। साइज़ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमने प्लानिंग में दी है वही चीज़ आपको चूज करनी है। हाँ, मॉडल्स छोटे मोटे चलेंगे, आप उन्हें कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। उनको आप एडिट कर सकते हो स्टैंडर्ड डायमेंशन पे कन्वर्ट करके, देन आप यूज़ कर सकते हो, वो भी चलेगा। वही चीज़ मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मजबूरी में करना पड़ेंगी ही, चल ही नहीं पाएगा काम वहाँ से। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप लोग स्टैंडर्ड पे चीज़ें बना के रख लो अपनी, जब काम आपको करना ही है सीरियस होके, क्या उसमें कंफ्यूज होना। बाकी का काम आपके ऊपर है, आपको जो बैटर लगे आप ऑफसेट लेके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। और इतना डेकोरेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना, इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना सारी चीज़ें, और इनको ग्रुप करके चलना ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और एक डिज़ाइन एक ले लेना, कलर इफेक्ट क्या लेके चल लो। दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, प्लांट्स मेरे पास नहीं है, इसका 3D मॉडल्स नहीं है मेरे पास। वॉल डेकोर करना है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको वहाँ पर वॉल डेकोर दिखानी पड़ेगी। रेफरेंस लेके उस पर काम कर सकते हो। एक लिमिट ले ली मैंने, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा वो हमारे डिज़ाइंस के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें हमारी सेम एज इट इज़ डिज़ाइन होती हुई चली आ रही हैं। चीज़ों को ब्लॉग और ग्रुप लेके चलो, कि ज़रा सा पार्ट भी ओपन होता है तो एरिया को फिल नहीं करता है। टेम्परेरी हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, पॉलीलाइन से चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं
सिर्फ काम चलाने के लिए, कि मे भी अगर कोई पार्ट ऐसा ओपन होगा, मॉडल्स में, सिलेक्शंस में ये छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, बहुत ही केयरफुली इन पे काम करना होता है। ठीक है, अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसको पिक करूं, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारी फाइल्स हैं, तो वो दिक्कत करेगी। क्या देना चाहते हो डिजाइन्स, डिसाइड करो। इतने डिजाइन्स पे काम कर चुके हैं अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे, जो बेस्ट लगे वो चूज करो और मेंशंस करो। कलर इफेक्ट एंड मैच, एक्स्ट्रा पार्ट, सारा हटा देना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है डेकोर करने के, क्लासिक।